नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और मैं बेसिकली जमशेदपुर से आई हूँ। मेरी बच्ची प्रियांशी जो कि अभी 11 मंथ्स की है, ठीक है, उसको डॉक्टर ने बताया था पहले ही, जब वो 4 मंथ्स की हो गई थी तब डॉक्टर ने उसको बताया कि उसका हाथ में होल है। इससे पहले हम लोगों को पता नहीं था बिकॉज़ वैसा कभी कोई सर्दी खांसी वाला सिम्टम्स दिखा नहीं। आफ्टर 4 मंथ्स जब इसको एक नॉर्मल सर्दी खांसी हुआ तब हम लोगों ने अपने ही जमशेदपुर के एक हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, तो वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि बच्ची को इस तरह का हार्ट में होल है और इसके वजह से इसको बार बार इन्फेक्शन होने का डर है। तो कुछ दिन तक इसको PICU में रखने के बाद, ट्रीटमेंट चलने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी 4 to 5 months में 6 months में इसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा था। और ये इन्फेक्शन चेस्ट इन्फेक्शन में लाइक नॉर्मल सर्दी खांसी, उसके बाद इसको सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो फिर मतलब इस तरह से 2-3 बार एडमिट होने के बाद हम लोग को यहाँ ये कोलकाता के आर्यन टैगोर हॉस्पिटल का पता चला, जहाँ पे हम लोगों ने हिस्ट्री देखा कि काफ़ी अच्छा है पीरियडिक सर्जन का। तो उसके बाद हम लोग को डॉक्टर देवोश्री गंगोपाध्याय का पता चला कि यहाँ पे आकर उनके कंसल्ट में रहने से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो हम लोगों ने मैम को दिखाया, तो मैम ने फर्स्ट टाइम देखा तो मैम ने बोला कि होल बहुत छोटा है, 4 mm का है, तो इसके लिए हम लोग अभी सर्जरी का ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको रेगुलर फॉलोअप पे रखेंगे 3 months के इंटरवल पे, और इसका जो मेडिसिन्स वगैरह था वो सब चलेगा। वो सब चलने के दौरान भी, बीच में भी इसको एक बार इसी तरह से सर्दी खांसी हुई, तो फिर हम लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो सेम वहाँ पे भी PICU में 10 टू 15 डेज रहने के बाद फिर हम लोगों ने जब मैम से दोबारा कंसल्ट किया तो मैम ने बोला कि इसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि इसके लिए सही चीज़ नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसका एक छोटा सा, सर्जरी भी नहीं है ये, एक छोटा सा डिवाइस क्लोज़र होगा जो हम लोग विदाउट सर्जरी एक करेंगे। तो कुछ टाइम के लिए हम लोग को डर लगा, लेकिन मैम ने हम लोग का बताया कि नहीं, ये सबसे सेफेस्ट हैं बिकॉज बार बार अगर फर्दर इन्फेक्शन होता है तो बच्ची के लिए डेंजरस होगा। तो उसके बाद मैम ने डेट दिया, अब उसके बाद अभी सर्जरी नहीं, लाइक डिवाइस क्लोजर का एक प्रोसीजर हो चुका है। सर्जरी के बाद प्रियांशी बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल हंस रही है। अब इसको सर्दी खांसी होगा लेकिन उतना सीवियर नहीं होगा, और यस, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मैम एंड दिस हॉस्पिटल एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और वी कॉल इट VSD इन शॉर्ट। VSDs आर द कॉमनेस्ट हार्ट प्रॉब्लम्स दैट वी फाइंड इन बेबीज। Now Priyanshi had ventricular septal defect, which was not a very big defect to start with, and that is why I thought maybe it will be possible for me to follow her up for some time before we see any changes in her. But unfortunately she was getting repeated chest infections, and the last infection was very severe and she had to be admitted in another hospital where she was even ventilated. So that is the reason why I thought that it is no longer probably safe to wait on the VSD that she has got. So that is why I thought I'll go forward with the VSD device closure. Since this was a medium to small sized hole, it was possible to close the VSD with device, and the procedure was beautifully done. Today Priyanshi is very well. She is in all smiles and we are all very thankful that we could cure Priyanshi of her heart problem. Thank you.